हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ नारियल के लड्डू। तो देखिए, एकदम से मार्केट जैसे नारियल के लड्डू हमारे बन करके तैयार हैं। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड, अपने ये लड्डू बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रखेंगे कढ़ाई, और उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे नारियल। तो मैंने यहाँ पर 2 कटोरी नारियल लिया है। इसको हम डालेंगे कढ़ाई में, और बिल्कुल धीमी गैस पे हम इसको 2 मिनट अच्छे से भूनेंगे। तो इसका कलर चेंज नहीं करना है, 2 मिनट ही हम इसको भूनेंगे। तो देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं कि मैंने इसका कलर चेंज नहीं किया है। तो नारियल हमारा अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी दूध। तो मैंने 2 कटोरी नारियल लिया था, तो आधा कटोरी मैं इसमें डालूंगी दूध। और दूध डालने के बाद अच्छे से हम इसमें मिला देंगे नारियल में। दूध को अच्छे से मिलाने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी चीनी। तो देखिए, मैंने 2 कटोरी नारियल लिया था, तो मैं इसमें 1 कटोरी डालूंगी चीनी। चीनी आप थोड़ा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा मीठा का खाना कम पसंद करते हैं तो चीनी थोड़ी कम भी कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने चीनी डाल दी है। चीनी डाल के हम अच्छे से इसमें मिला के, और हम इसको बिल्कुल धीमी गैस पे चीनी को घुलने तक अच्छे से पकाएंगे। तो ध्यान रखना है आपको, गैस एकदम धीमी रखनी है। लगातार हिलाते हुए अच्छे से हम चीनी को पका देंगे, चीनी को घुलने तक पकाएंगे, जिससे चीनी हमारी अच्छे से नारियल में मिक्स हो जाए। लगातार हिलाते हुए अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि चीनी अच्छे से घुल गई है और नारियल में अच्छे से मिक्स हो गई है। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इसमें डालती हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। तो मिल्क पाउडर आपको ज़्यादा नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये लड्डू खाते समय मुंह में चिपकेगा, दांतों में लगेगा। तो इसीलिए मिल्क पाउडर आपको थोड़ा सा डालना है, और डाल के अच्छे से हम इसको मिलाएंगे। चौथाई चम्मच डालेंगे इलायची पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे इसमें। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि मिल्क पाउडर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम गैस बंद करके और इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि एकदम से टाइट हो गया है और ये तैयार है लड्डू बनने के लिए। तो अब मैं इसको हल्का सा ठंडा करके और इसके लड्डू बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड, ठंडा हो गया है। मैंने यहाँ पर एक ऐसी चम्मच ली है जिससे हमारे सारे लड्डू एक साइज के बनेंगे। तो आप चाहें तो हाथ से भी बना सकते हैं, नहीं किसी चम्मच से लेकर के बनाएंगे तो आपके सारे लड्डू एक साइज के बनेंगे। तो इसी तरीके से मैं सारे लड्डू बना करके तैयार करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि लड्डू हमारे बन करके तैयार हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है नारियल। अब इसमें मैं लड्डू डाल के और नारियल के ऊपर अच्छे से इसके ऊपर नारियल लगाऊंगी। तो इस तरीके से आपको नारियल में लड्डुओं को लपेट लेना है, नारियल को लगा लेना है ऊपर। तो देखिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि लड्डू हमारे बिल्कुल बन करके तैयार हैं, और कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, और खाने में भी एकदम से मुलायम लड्डू हमारे नारियल के बन करके तैयार हैं ये। तो देखिए फ्रेंड, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा है। तो आप देख सकते हैं एकदम से मुलायम लड्डू हमारा बन करके तैयार है। तो आप भी फ्रेंड उनको ऐसे ही बनाइएगा। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना फ्रेंड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मैं न्यू रेसिपी डालूंगी तो आप सब उसको भी देख पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, न्यू रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड।